हो रही है बच्चों की मौतें। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बात कही है, परिजन ही जिम्मेदार हैं मौतों के। परिजन झोला छाप डॉक्टरों के पास लेकर जाने की गलती करते हैं और आरोपी सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग को बचाने में जुटे हैं प्रभारी मंत्री। जिले में हो चुकी है अब तक 82 बच्चों की मौत और बच्चों को देखने जाने तक का समय नहीं मिल पाया मंत्री जी को और अब शर्मनाक बयान दे रहे हैं। से झोला छाप डॉक्टरों को जो दिखाते हैं या प्राइवेट जगह पर जाते हैं, जब मरीज मरने करीब होता है जिला अस्पताल में लाते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभिभावक भी गैर जिम्मेदाराना काम करता है। स्वाभाविक रूप से झोला छाप डॉक्टरों को जो दिखाते हैं या प्राइवेट जगह पर जाते हैं, जब मरीज मरने करीब होता है जिला अस्पताल में लाते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभिभावक भी गैर जिम्मेदाराना काम करता है। स्वाभाविक रूप से तो ये खबर बहराइच से आपको बता रखी है, जहां जिस जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अभी तक उनको इतना वक्त नहीं मिल पाया है कि वो इस जिले में जाकर लोगों का हालचाल जाने, बच्चों की जो मौतें हो रही हैं उस पर बातचीत करें, और इसके अलावा वो बैठकर आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान दे रखे हैं। उनका कहना है कि अगर बच्चों की मौत हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार परिजन ही हैं। मोनेस हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोनेस, एक तो मंत्री जी के पास अभी तक इतना वक्त नहीं है कि यहाँ पर वो आ सकें, और ऊपर से शर्मनाक बयान दे रहे हैं पूरे मामले पर। जी बिल्कुल जहरा, ये बहुत ही शर्मनाक है क्योंकि जिले में लगातार बच्चों की मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक 82 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जब मंत्री जी से सवाल किया जाता है कि आप वहां पर क्यों नहीं गए, तो उसका तो जवाब नहीं आता है। बदले में मंत्री जी का जो शर्मनाक बयान आता है कि बच्चों की मौतों का कारण खुद अभिभावक है, क्योंकि वो झोला छाप डॉक्टरों के पास में अपने बच्चों को ले जाते हैं। अब ऐसे में इस बयान के बाद मंत्री जी को क्या कहा जाए और किसको कहा जाए, कितनी गंदी राजनीति और कितने शर्मनाक बयान आ रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर मात्र सीएमएस को हटा दिया जाता है। सीएमओ को बचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है जो मेन आरोपी है, और उसके बाद में सीएम मंत्री का बयान आता है जो बेहद ही शर्मनाक है। खिल्ली उड़ाता नजर आ रहा है उन माँ बापों की जिनके बच्चे उनसे दूर हो गए स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों से। जरा मोनेस, एक तरफ अनुपमा जायसवाल का एक वीडियो सामने आता है जहां पर वो डांस करती नजर आती हैं, दूसरी तरफ ये शर्मनाक बयान दे रखे हैं, और जो बच्चे हैं वो मर रहे हैं, जो परिजन हैं वो परेशान हो रखे हैं। आखिर भरोसा किस पे किया जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? यहाँ पर बहुत बड़ी संवेदनहीनता देखने को मिल रही है सरकारी तंत्र की, मौजूदा सरकार की, क्योंकि एक मंत्री शर्मनाक बयान देता है, एक मंत्री बच्चों की मौतों के बाद ठुमके लगाते नजर आता है। जिले में एक कैबिनेट मंत्री मौजूद है जो अभी तक 1.5 किलोमीटर का सफर तय करके जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाए। मुकुट बिहारी वर्मा जो अभी तक के बच्चों को देखने तक के नहीं जा पाए। अब ऐसे में गरीब और मजदूर वो लोग कहाँ जाए, किससे अपना दुखड़ा रोए, क्योंकि योगी सरकार गरीबों की सरकार, खुद को गरीबों की सरकार कहती है, सबका साथ सबका विकास का इनका नारा है, लेकिन जिस तरह से गरीबों के साथ और संवेदनहीनता बरती जा रही है, मौतों पर शर्मनाक बयान आ रहे हैं, ठुमके आ रहे हैं, इससे तो कहीं ना कहीं। मोनेस, आप हमारे साथ बने रहिए, और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं जहां एक तरफ अभी तक 82 बच्चों की मौत हो चुकी है, लोग बेहाल हैं क्योंकि लगातार जो ये आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने शर्मनाक बयान दिया है। उनके पास अभी तक इतना वक्त नहीं हो पाया है कि वो जाकर बच्चों का हाल चाल जाने या उनके लिए कुछ कर सके, बल्कि शर्मनाक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। मोनेस हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। मोनेस, आखिर प्रभारियों के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है, आखिर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के ऊपर, सीएमएस के ऊपर? खास बात ये है जरा यहाँ पर कि यहाँ पर जब सवाल किया जा रहा है जिम्मेदारों से, तो वो कहीं ना कहीं आरोपियों को और लापरवाह अफसरों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने सवाल किया था इससे पहले बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से भी सवाल किया था कि आखिर सीएमएस को हटा दिया गया, सीएमओ को क्यों नहीं हटाया गया, क्योंकि पूरे जिले का स्वास्थ्य का मुखिया वही होता है,
और व्यवस्थाओं का करना भी उसी के हाथ में, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में मौजूद जो 6 डॉक्टरों का पैनल है जो बच्चों का इलाज करता है, उनकी देखरेख में ये मौतें हुई हैं। ऐसे में उनमें से किसी भी डॉक्टर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। एक CMS को जो लापरवाही की वजह से सबसे ट्रांसफर मैच किया जाता है, ऐसे में कार्रवाई ना के बराबर हो रही है और बच्चों की मौतें हो रही है, जिससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में संवेदनहीनता दिखा रही है। जरा मोनिस, क्या अभी तक किसी तरह का इस तरह का कोई अभी तक प्लान बनाया गया है डॉक्टरों की तरफ से, इस तरह से कुछ अभी तक किया गया है जिससे ये आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है बच्चों की मौतों का, इस पर ब्रेक लग सके? बताना चाहूंगा कि जब ये बच्चों की मौतों की खबरें मीडिया में आने लगी तो आनंद फानंद में जिला अस्पताल ने की एक जो बड़ी बिल्डिंग थी जो लगभग पूरी तैयार हो चुकी थी लेकिन उसको चालू नहीं किया गया था, उसको चालू कर दिया गया है। हालांकि वहां पर बेड लगा दिए गए हैं लेकिन ये जो चीजें आ रही, डॉक्टर बढ़ाए नहीं गए हैं। जब तक मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, आने वाले मरीज लगातार चिल्ड्रेन वार्ड में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जब तक डॉक्टर नहीं बढ़ेंगे ये मौतों का आंकड़ा रुकेगा नहीं। डॉक्टर बढ़ाए नहीं गए, उन्हीं डॉक्टरों के भरोसे बच्चों का इलाज किया जा रहा है। कुछ कमी जरूर है जिससे ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। जरा मोनिस, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के MLC सुनील सिंह साजन जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। थैंक यू जयरा जी। सुनील जी, आप क्या कहेंगे, एक तरफ बच्चे मर रहे हैं बहराइच में, अभी तक 82 बच्चों की मौत हो चुकी है, दूसरी तरफ किसी भी मंत्री के पास, किसी भी प्रभारी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो वहां पर जा सके। ऊपर से बयान दिया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा कि झोलाछाप डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं परिजन, जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं। जी, मैं केवल एक चीज कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक अजीब सी किस्म की बीमारी हो गई है। हम लोगों को याद है पिछले साल जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे, इनके स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि ये महीना ही ऐसा है जिसमें बच्चे मरते हैं, अगस्त में बच्चे मरते हैं। अभी जहाँ बहराइच की बात है, वहाँ अभी एक महिला मंत्री है, वो किसी कार्यक्रम में नृत्य कर रही थी, भक्ति कार्यक्रम था, अलग की बात है। मुख्यमंत्री जी बयान दे देते हैं कि पुराने जन्म के कुकर्म है। अब इन्होंने उप मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया कि परिजनों की वजह से मौत हो रही है, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की किस नैतिकता पर इस तरीके के बयान दे देते हैं? तो सरकार को एक बिल्कुल और इसकी जवाबदेही बनती है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका भारत समाचार पर। जी नमस्कार। राकेश जी, बच्चों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं सिवाय बयान देने के? स्वामी प्रसाद मौर्य इतना शर्मनाक बयान दे रहे हैं और क्या कहा जाए उनके लिए? देखिए, दो बातें कहूंगा। एक तो सुनील सिंह साजन जी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है। जी बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं वो बयान लगातार, वो बयान हम दिखा रहे हैं। नहीं, वो सुनील साजन जी ने कहा क्योंकि उप मुख्यमंत्री, इसलिए मैं उनको अपडेट किया है कि वो जानकारी की कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का बयान नहीं है, कैबिनेट मंत्री का बयान है। दूसरी बात, इन बयान के गलत तरीके से मायने निकाले गए। उन्होंने जो बात कही है उस बात को समझने की आवश्यकता है। ये वास्तविकता है कि पिछली सरकारों के समय में जागरूकता के अगर प्रयास किए गए होते, लोगों को उनके स्वास्थ्य के अधिकारों के संदर्भ में जागरूकता की गई होती और जो निचले स्तर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नेटवर्क है अगर वो मजबूत रहा होता तो शायद आज इस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात ना होते। हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के हालातों में जो निचले स्तर पर आवश्यकता मजबूती की होनी चाहिए वो अब तक नहीं बन पाई है। हम उसके लिए को लगातार मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने गोरखपुर क्षेत्र में इस बार जब प्रयास किया है तो आज उसके रिजल्ट सामने आए हैं कि गोरखपुर क्षेत्र में जो जापानी इंसेफेलाइटिस से बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों की मौतें हो जाया करती थी उसमें इस बार गिरावट आई है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण एक जागरूकता का है, जिस जागरूकता को हमने बढ़ाने का काम किया, ठीक है, और आज जागरूकता का बड़ा अभाव। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील साजन जी, ये तो सारा ठीकरा आपके सर पर फोड़ रहे हैं। नहीं, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते हैं। मैंने कहा ना, इन बीजेपी के अंदर खुद एक नई किस्म की बीमारी हो गई है कि अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए कोई भी बयान दे सकते हैं ये लोग। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इनकी बात मान लूँ राकेश जी की, तो क्या 1.5 साल से अधिक की ये योगी जी की सरकार भजन कर रही है, कोई व्यवस्था नहीं कर पाए? और अगर इस तरीके के, देखिए इनको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार करने में पुरानी सरकार को नहीं याद करते, लगातार भ्रष्टाचार इस सरकार कर रही है।
बेईमानी कराने में पुरानी सरकार को नहीं याद कर रहे हैं, और जब परीक्षा करा रहे हैं अपने मन मुताबिक लोगों को भर्ती कर रहे हैं, फेल वाले को पास करा रहे हैं, पास वाले को फेल करा रहे हैं, उसमें नहीं बात करेंगे पिछली सरकार की, जहां फंस जाते हैं वहां कहेंगे पिछली सरकार। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, जो बयान दिया गया है अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, उसके लिए आप बोल रहे थे, उसके लिए आप बोल रहे थे उसे समझने की आवश्यकता है, तो उसे थोड़ा समझाइए, क्या हम उसमें समझे? उस पर उन्होंने एक बात कही है कि अभिभावकों में जागरूकता की कमी है, जब सही समय पर इलाज के लिए उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या वो झोला छाप डॉक्टरों का जिक्र कर रहे हैं, वो झोला छाप डॉक्टरों का जिक्र कर रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर आ कैसे जाते हैं, पनप कैसे जाते हैं, ये भी तो बताइए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि आज समाज में वास्तविकता में जितने डॉक्टर्स होने चाहिए उतने डॉक्टर्स के लिए अब तक इंस्टीट्यूट ही नहीं बने हैं, पर पर्सन जितने जांच प्रति सैकड़ा जितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है या पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है, आज देश में उतने इंस्टीट्यूट नहीं है, उतने डॉक्टर्स तैयार नहीं हो रहे हैं, और जो डॉक्टर्स तैयार हो भी रहे हैं वो शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर्स का सर्वथा अभाव है, और इन अभावों का लाभ लेकर के ही कुछ लोग झोला छाप डॉक्टरों की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए व्यवस्था कौन करेगा सर? सरकार आपकी है, इसके लिए व्यवस्था कौन करेगा, इन सब चीजों को ठीक कौन करेगा, और कितना वक्त चाहिए आपके पास? नहीं, आपको और कितना वक्त चाहिए? ऑलरेडी आप लोग इतना वक्त ले चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बयान सुनाती हूँ आपको, बयान आप दोनों को सुनाती हूँ, क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वाभाविक रूप से झोला छाप डॉक्टरों को जो दिखाते हैं या प्राइवेट जगह पर जाते हैं, जब मरीज मरने करीब होता जिला अस्पताल में जाते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभिभावक भी गैर जिम्मेदाराना काम करता है। राकेश जी, सुना आपने? बिल्कुल सुन रहा हूँ, और मैं फिर ये उनकी बातचीत का एक अंश है जिसमें उन्होंने एक पॉइंट ये भी रखा है कि अगर सही समय रहते अभिभावक जागरूकता के साथ अगर गलत जगहों पर लेकर के बच्चे को ना जाए, प्राइवेट अस्पतालों का भी उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने झोला छाप डॉक्टर का भी जिक्र किया है, और कई बार लोग मेडिकल स्टोर। हाँ, राकेश जी, ठीक है, ठीक है, आपकी बात मैंने समझी, लेकिन आप ये बताइए, आपने सारा आरोप लगा दिया पिछली सरकार के ऊपर, आप सुनील सिंह साजन के ऊपर पलट गए, इन सब में इनकी क्या गलती है, इनके ऊपर आप क्यों पलट रहे हैं? आप इसी पे रहिए ना, आप बयान पे रहिए ना, बयान का जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं बिल्कुल बयान का ही जवाब दे रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि निचले स्तर पर अगर जागरूकता का प्रसार किया गया होता, निचले स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया गया होता तो आज झोला छाप डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता लोगों को ना पड़ती। पिछले वर्ष की सरकारों में केंद्र नहीं, आप भी कर सकते थे। साजन जी, आप क्या कहेंगे? सुनील साजन जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं केवल ये कह सकता हूँ कि राकेश जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन पिछली सरकार के अगर कुछ काम देख लेंगे, इस तरीके की बात नहीं करेंगे। स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग ने जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में किया, अब इनसे पूछे 102 किसने शुरू की, 101 किसने शुरू की, अस्पतालों को फ्री में जांच किसने शुरू की, अस्पतालों में। चलिए, बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मरीज यहाँ पर भगवान भरोसे हैं, सब अपनी सफाई देते जा रहे हैं, और आगे